बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की आपातकालीन बैठक। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। विशेषकर शिवपुरी श्योपुर में 800 मिलीमीटर बारिश। अप्रत्याशित बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी। कल से मैं निरंतर संपर्क में, राहत बचाव कार्य जारी। कल ही एनडीआरएफ और एयरफोर्स के बचाव दल को बुला लिया गया। अब तक 1600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 200 गांव अभी घिरे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। मेरी सभी कलेक्टर और रेस्क्यू से जुड़े अधिकारियों से चर्चा हुई। मनीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए। प्रभावित गांवों को सतर्क किया गया था। प्रदेश के शिवपुरी श्योपुर दतिया ग्वालियर भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं, विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में। दो दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया ग्वालियर श्योपुर कुछ गांव में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है। 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी। 8 मील तक गए भी लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मौसम ठीक होते ही एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है। सेना बुला ली गई है। कुल मिलाकर लगभग 200 गांव घिरे हैं। शिवपुरी जिले के बीची गांव में 3 लोग पेड़ पे बैठे हुए हैं। उनको ढाढ़स बधाने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक वहां पानी है। बहाव के कारण बोट नहीं जा पा रही है। एयरफोर्स ही वहां रेस्क्यू करेगी। सहरावत जी से जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, मेरी सीधी चर्चा हुई है। अभी सारे कलेक्टर से मैंने सीधे बात की है। कलेक्टर शिवपुरी दतिया ग्वालियर अशोकनगर श्योपुर हम सबके संपर्क में। मणिखेड़ा डैम से डैम पूरा भर जाने के कारण पानी छोड़ा गया, जिसे जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। प्रभावित हो सकने वाले गांवों में सतर्क कर दिया गया है। लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। गांव में ही जो गांव घिरे वहां ऊंचे स्थान पर रहे लोग। और राहत की बात है कि लोग सुरक्षित हैं। केवल ये पेड़ पे और एक मंदिर की छत पर पुजारी जी वगैरह है, उनकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित हैं। गांव में राहत के शिविर, भोजन का इंतजाम, इस सबके निर्देश दे दिए गए। निचले इलाके जो अभी
जहां प्रभावित होने की संभावना है पानी छोड़ने के कारण मड़ीखेड़ा से, और भारी बारिश के कारण उनको सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है, मैं लगातार कल से संपर्क में हूं। शिवपुरी में घटना स्थल पर, शिवपुरी में कंट्रोल रूम में हमारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी और वहां के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लगातार राहत के कामों को वहां से दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, राजस्व मंत्री और जल संसाधन मंत्री, तीनों मंत्री भी लगातार संपर्क में हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे हैं, चिंता न करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है, कोई बांध टूटेगा, सब सुरक्षित है। मणिखेड़ा से भी पहले 12,500 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब 10,500 छोड़ रहे हैं, कम कर दिया गया है। बारिश का वेग भी थोड़ा कम हुआ है। मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद हमारे हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेंगे। मैंने भी सवेरे निकलने की यहां से कोशिश की, लेकिन खराब मौसम के कारण मैं भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे, और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं।